किसान कानून के खिलाफ पटना में आरजेडी आज एक ह्यूमन चेन बनाकर विरोध जता रही है। हालांकि देखिए पुलिस की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई थी, बावजूद इसके आरजेडी के कार्यकर्ता क्या सड़क पर उतर आए हैं इस ह्यूमन चेन के लिए। निधि श्री हमारे साथ मौजूद है। निधि श्री जरा तस्वीरें दिखाइए और हाल बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास मौजूद हूँ रोमाना, और लगभग 12:30 बजे का वक्त तय किया गया था महागठबंधन की तरफ से, जब ह्यूमन चेन करीब करीब आधे घंटे का बना करके तमाम जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो खड़े थे। और ये जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दरअसल अभी ह्यूमन चेन जो है वो ख़त्म हो गया है और ये सभी कार्यकर्ता हैं जो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर थी वो बिल्कुल अलग थी। आप अगर देख रही होंगी कि दिल्ली में जिस तरीके से किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन चेन बना करके यानी एक दूसरे का हाथ पकड़ के सभी महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ खड़े थे। खुद तेजस्वी यादव मौजूद थे, हमने उनसे पूछा भी कि आप क्या समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं जो हुआ दिल्ली में लाल किले पर, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये बीजेपी की शह पर हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो राजनीतिक साजिश थी वो सबको पता है कि किसने करवाया। अब तक जिसने झंडा फहराया लाल किले पर चढ़कर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है पुलिस ने, कई ऐसे सवाल उन्होंने उठाए। और फिलहाल जो इसमें लेफ्ट के भी कई कार्यकर्ता समर्थक जो है वो यहाँ पर खड़े थे। फिलहाल ह्यूमन चेन यहाँ से खत्म हो चुका है और सभी शांतिपूर्वक यहाँ से जा चुके, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। बावजूद उसके अलग अलग पार्टी से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए थे। और इसको दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो हमने कृषि कानून का विरोध किया, ये कहना था आरजेडी की तरफ से। दूसरा, हम किसान का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि वो किसान जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनके समर्थन में खड़े हैं। ABP News आपको रखे आगे।